السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم सामयीन नाजरीन आई प्लस टी वी के हमारे इस प्रोग्राम में जिन जादू नजरबद शैतान के मस से होने वाले बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए ये जो तसलसल चल रहा है पिछले कई एपिसोड्स में आपने देखा है जिन के बारे में जादू के बारे में नजरे बद के बारे में और शैतान के मस के बारे में हमने क़ुरान और सही अहादीस की दलाइल से आपको बताए थे कि कैसे बीमारियाँ होते हैं तो फिर उसका इलाज भी कैसे किया जाता है मुख्तर में बताए थे फिर नाजरीन के तरफ से जो सवालत आ रहे हैं आए हैं वो सवाल का भी सिलसिला जारी रहा पिछले कुछ एपिसोड से आज भी हम आ, नाजरीन के सवालात का सवाल का जवाब देंगे इन शवाल है क्या नेक जिन भी किसी इंसान पर असरानंदाज हो सकता है जवाब जी नहीं हरगिज़ नहीं दलील कुरान मजीद में 114 सूरों में सूरा नंबर 72, आयत नंबर 14 और 15, पंद्रह अलूदबिल्लामिनशानजीम

जो इस्लाम कबूल किए वो सीधे रास्ते पर है और जो कासितून यानी जालिम हैं वो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं तो आयत नंबर चौदह में जो सबक मिला सूरह जिन की वो अन्ना मुस्लिमून यानी इनमें जो मुसलमान होते हैं फमन असलम फलाई का रशदा है आगे आयत में तो जो मुसलमान हैं उनके बारे में है कि जो इस्लाम पर है वो तो रुश्द हिदायत पर है वो तो सीधे रास्ते पर है सूर अहकाफ़ सूरा नंबर फोर्टी सिक्स नंबर ट्वेंटी नाइन से थर्टी टू की तिलावत करेंगे और तर्जुमा उसका समझेंगे तो मालूम होगा कि जब जन्नत ने अल्लाह के रसूल महमद सल्ला व्ल् की किरात सुने और आन सुने महम्मद वल् से तो वो जाकर अपनी कौम को डराने लगे अल्लाह के आदाब से और बताए कि हमने ये कुरान सुने और हम इस पर ईमान लाए वगैरह तो हम ये कहें कि नेक जिन्नात कभी भी किसी भी इंसानी जिस्म में नहीं दाखिल होते हैं जैसे कि सवाल है किसी इंसान पर असर अंदाज होता है क्या नहीं होता नेक जिन्नात अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं और जिन्नातों में तबलीख़ करने का काम कर रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जो आयत सुनाया उससे हमें सबक मिला ऐन्नत है वही जन्ात इंसानी जिसम पर मुसलत होते हैं और तकलीफ़ पहुँचाने का काम करते हैं तजर्बे में हमारे एक वाक़ हम बयान कर दें आपसे रुकिया कर रहे थे हम एक लड़का है पंद्रह साल का लड़का है उसका इलाज किया गया कुछ दिन लगे इलाज करने में अलहदुल्ल शिरक करने वाला मुसलमान जिन उसके ऊपर मुसलत था वो जिन जब जाहिर हुआ तो लड़के के ये ठूटी जो होती है चिन इस तरफ से ऐसे हाथ को करने लगा गोया के ये बता रहा है वो उस बच्चे पर मुसलत होकर के मैं बहुत बूढ़ा हूं और मेरी लंबी दाढ़ी है ऐसा कर रहा था बार बार रुकिया जब हम कर रहे थे तो वो भी जो है कुरान हमारे साथ पढ़ रहा था फिर ये कह रहा था हमको कुछ नहीं होगा हम जो है अब्दुल कादर जीलानी रहमतल्ला के तरफ से भेजे हुए हैं इनकी हिफाजत के लिए जब मैंने ये सुना उस लड़के से उस लड़के की ज़ुबान से वो जिन जो कह रहा था तो मैं उस जिन को समझाने लगा कि अब्दुल कादर जीलानी रहमतल्ल जो अल्लाह के वली सिफ़त आदमी गुजरे हैं पाँच सौ इकसठ हिजरी में जिसकी वफ़ात हो गई है उनकी किताब हम गरीतबिन पढ़ते हैं उनका ईमान वमल साहब रदी अल्ल के नहज से था सालेहीन के मनहज पर वो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कैसे भेज सकते हैं आज तुमको ये बात तो तुम्हारी जो है किताब सुन्नत के अक़ायद और ख़ुद अब्दुल कादर जिया रतल की जो है उनके उस अक़ायद से टकराने वाली बात है अल्ला रब्लमीन के नबी सल्ल वम की हदीस जो है जिसमें अल्लाह के नबी व फ़रमायाकुर्सी पढ़ लो तो अल्ला की हिफाज़त में आ जाओगे फ़रिश्ता अल्लाह भेज देंगे हिफाजत में जो एक फ़रिशा लगा रहेगा फ़रिश्ते तो हिफाजत के लिए अल्लाह के हुक्म से आते हैं ये बात तो समझ में आई लेकिन अल्लाह के कोई वली सिफत इंसान वफात पा गए वो आज एक जिन को भेज रहे किसी इंसान की हिफाजत के लिए ये बात तो जो है आ, सही नहीं है इस तरीक़े से हमने उसकी काउंसलिंग की और फिर उस जिन को समझाया किताब व सुन्नत और फिर वो जिन जो है समझा तो नहीं हजत में रहा फिर उस पर जब क़ुरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू किए निकल के भाग गया जब उसके ऊपर की पढ़ी गई। फी जहन्नम और फिर इसी से जहन्नम ज्यादा पढ़ने लगे तो उसको बताया कि देखो तुम ाल तुम जुल्म करने वाले जिन हो तुम नेमान वाले मोमिन जिनने हो नाम के मुसलमान जिन हो सकते तुम्हारा शिरक और बिदात और खुराफा है लिहाजा निकल के जाओ नहीं निकल के जाना चाह रहा था खूब पड़े अल्लाह का फजल करम हुआ भाग गया तो ऐसा होता है अल्हदल्ला रुकिया करने से कोई गुमराह करने की कोशिश करता है मैं मुसलमान हूँ मैं नेक हूँ बताता है लेकिन मालूम ये हुआ है कि मोमिन जिन तकवे वाला जिन अल्लाह की जहन्नम से डरने वाला जिन नहीं मुसलत होगा किसी इंसानी जिस्म पर इस सवाल का जवाब यहाँ पर हम मुकम्मल समझते हैं जो सवाल किया गया था क्या नेक जिन किसी इंसान पर असरअंदाज हो सकता है इस सवाल का जवाब इंशाला मुकम्मल हुआ एक सवाल और है अगर शहर जादू भी लिखा हुआ है अगर शहर जादू खिलाया गया है तो उसे पेट से किस तरह निकाला जाए सवाल अच्छा है जवाब यह है सवाल अच्छा है कि अगर जादू खिलाया गया तो फिर उसको किस तरीके से निकाला जाए पेट से कुछ लोग इमली जो होती है टमेरिंड उसका खट्टा बनाकर पिला रहे हैं और कहते हैं कि जो है जादू उल्टी के जरिए से निकलेगा बहुत ज़्यादा पिला रहे तो वॉमिट सेंसेशन वैसे ही होगा और वॉमिट होगी तो देखो देखो ये निकला यही जादू था ऐसा बेवकूफ़ बनाया जाता है बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए पहले तो ये मसला है कि अगर राकी रायी रुकिया शरा कर रहा है और उसको मालूम हो गया है कि जी हाँ ये जो सिम्टम्स है जादू वाले सिम्टम्स है और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है पेट अपना टाइट और घट महसूस कर रहा है कोई चीज़ और बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर जो है बहुत ज़्यादा गैसेस हो रहे हैं बद हज़मी हैं ज़्यादा देर तक वजू से भी नहीं रह पा रहा है बंदा तो ठीक है कुछ खिलाया गया हो सकता है तो वो निकालना है तरीका आसान है रुकिया शराया कीजिए खुद कुरान पढ़े पेशेंट कुरान सुने अल्लाह का करम होगा मैं जो बताता हूँ किसी के पेट में अगर कुछ खिलाया गया है कुछ जादू करके तो तजर्बे में है अल्हम्दुलिल्लाह निकाला गया है दलील निकालने की सर हदीस तो नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुन नबी दाउदी थ्री थाउजेंड एट एटी सिक्स एट लाबिर आलम तक उन शिर रुकिया करने में कोई हर्ज नहीं है अगर उसमें शिर की मिलावट ना हो तो हम कुरान में से शुर फातिहा आयतल कुर्सी और जिलजाल अर्द जिलजा यह सूर बहुत मरतबा पढ़ने को बोले और कभी हम कहते हैं ऑड नंबर में ताकदत में पढ़ना सूरह पढ़े पढ़े अलहमदिल्ला और सुर फल और सुर नास पढ़ कर पानी पर दम करे और पानी खूब पिए अल्लाह रबालम का फजल करम हुआ पेट के अंदर से वो चीज़ जो थी निकली तो देखने में आया है मैं अपनी आँखों से देखा हूँ ग्रीनिश कभी उल्टी हुई है कभी ब्लू उल्टी हुई है पेशेंट खाना खाया नहीं था जो वो खाना निकला है कभी जो है आ, कुछ टुकड़े निकलते हैं जैसा कि कुछ चॉकलेट के टुकड़े जैसा हैं कभी बाल भी निकल जाते हैं उस वामिट में ऐसा होता है तो क़ुरान मजीद में कुदरत है रब्बुल आलमीन का कलाम है ये और ालिमों के लिए खसारा है कर्न में और ईमान वालों के लिए शिफा है कुरान में रब ने कहा तो क़ुरआन को नीयत के साथ यकीन के साथ पढ़े कि हाँ शफा मिलेगी मुझे इन शाह फिर अल्लाह का होगा सुरतुल्फातहा आयतल कुरसी सुर जिलजाजुज़लद जल्जा शुर फल और सुर नास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कर पानी पे दम करके पानी बहुत ज़्यादा पिए वॉमिट भी होती और हुआ तो इन श्ला पाखाने के ज़रिए से भी जो है निकल जाएगा और ऐसा तजर्बे में आया है निकला है लोगों को तो ये अमल करना बेहतर है इन श्ला सवाल एक और क्या कोई भी शख्स कुरान की आयत सीख कर रुक कर सकता है जवाब जी हाँ कर सकते हैं कुरान की आयत सीख कर रुक शरिया कर सकते हैं कर सकते हैं अब जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ कुरान और हदीस का अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से इलाज सीखा हूँ अल्लाहबूल आमिन के फजल करम से इलाज सीखा हूँ अल्लाह की तौफीक और फजलोक करम नहीं होता तो मैं भी इलाज नहीं सीख पाता और आज भी मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट परफेक्ट नो वन इज हंड्रेडेंट परफेक्ट जितना हमको इल्म मिल रहा है हम हर रोज अगर कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो हम स्टूडेंट हैं और टिल आवर लास्ट ब्रेथ हमको यही कहना है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कुरान कुर हदीस आई एम अ स्टूडेंट ऐसा कहना है कर सकते हैं रुकिया इंशाला सबसे पहले अकीदा और अमल सहाबा से टकराने वाला ना हो ये देखें और फिर ये देखें कि आप नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं अजकार की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं अगर कर रहे हैं इतबा सुन्नत में हैं तो फिर कुरान को अच्छे से पढ़ें याद करें और फिर जो है कुरान को पढ़कर उसको समझते हुए पढ़ें फिर अल्लाह का करम होगा और आप जो है ख़ुद रुकिया कर सकते हैं सीख जाएंगे उलमा की किताबें हैं शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमल की किताब है और बहुत सारे सलफ़ी मशाइ की किताबें हैं बहुत सारे हमारे सै अमल सहीमलामा की किताबें हैं पढ़िए इन और सीख जाएंगे शेख अब्दुल बिनसलम अब्दु बालि हफिजाल्ला की किताबें इन शह पढ़ें सीख जाएंगे फिर करते रहें और आज़म करें कि मैं कमर्शियल राखी नहीं बनूँगा पैसा कमाने के लिए रुकिया नहीं करूँगा तो फिर अल्लाह रबालमीन की मदद भी साथ में रहेगी इनशा जिन जादू और उसके इलाज के तल्ल़ से तो नाज़रीन के पास से सामीन के पास से जो सवाल आते हैं उसके जवाब जो देना होता है किताब सुन्नत की दलाइल के मुताबिक वो दे रहे हैं अलहदिल्ला तो एक और सवाल ले लेते हैं सवाल आया है कि अगर जिन अचानक जाहिर होता है तो क्या करें रुकिया लगाएं या दम करें या दम करा हुआ पानी उन पर मारें या फिर उससे बात करें यानी जिन से बात करें अगर जिन अचानक किसी पर जाहिर हो गया हो और आन सुन रहे थे और पेशेंट की कैफियत जो है तब्दील हुई आ, कोई था शख़्स और लौटने लग गया चीख पुकार करने लग गया और मालूम हो गया कि हाँ ये जिन शैतान हैं इस पेशेंट के ऊपर और चीख रहा है चिल्ला रहा है तब क्या करें पहले तो खौफ में नहीं आना घर वाले पहली बात है।

लोग डरते हैं खौफ में नहीं आना चाहिए जिन्नत से ज़ाहिर हो गया है सबसे पहले तो कुरान रोकना नहीं कुरान को जारी रखना अगर ऑडियो चल रहा है स्पीकर्स में कुरान सुनाइए जब जिन जाहिर के चीखने चिल्लाने लग जाए तो उससे कहिए कि अल्लाह के मखलूक जिनों में से जिन ग़ुलाम अल्लाह के हम इंसानों में से अल्लाह के ग़ुलाम हम दोनों के लिए शरीयत इस्लाम अल्लाह ने नाजिल किया है जहन्नम और जन्नत भी जिन्नात और इंसान के लिए है ये जो तू कर रहा है किसी इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर यह अल्लाह के कानून के खिलाफ काम कर रहा है निकल के जा ईमान ला ले इस्लाम कबूल कर ले आमाल कर जो साल आमाल है जिन्नातों में रह ईमान वाला बने रह मौत तक ये जुल्म करना छोड़ इंसानों पर और ख़ुद जन्नातों पर भी जुल्म ना कर तू अभी इस पर जाहिर हुआ है चीख रहा है चिल्ला रहा है हमने मारे नहीं मारे कर्न सुना रहे थे तुझे तकलीफ़ हुई तो अल्लाह के कुरान में इतनी कुदरत है कि तू तकलीफ़ में आ गया तो अल्लाह की जहन्म कैसी होलनाक होगी ालम है इसलिए कुरान से तुझे तकलीफ़ हुई अल्लाह ने कुरान में कहा सुर बनीरायल नंबर सत्रह आयत नंबर एटी टू वन उनमा हुआ शिफ़ा रहमतिन वाय यजीदालमीना अल्ला खसारा िमों के लिए कुरान में ज़्यादा नुकसान है और ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है कुरान में अल्ला ने कहा लिहाजा तू जालिम है इस वजह से तुझे तकलीफ हुई कुरान सुनने से और तू ज़ाहिर हो गया इस बंदे पर निकल के जा अल्लाह से डर इन तू इस्लाम पर रहेगा तेरी मौत तक तो ज़रूर जन्नत मिलेगी ऐसा कहना चाहिए उस जिन को और फिर पेशेंट को जब बेहोश हो जाए पेशेंट वो जिन निकल के जाने के बाद तब सरे फातहा आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पैसा दम करके पानी जो है पेशेंट के आंख पर चेहरे पर थोड़ा सा आ, स्प्रिंकल करे थोड़ा मार दिए इंशाल्लाह पेशेंट बहाल हो सकता है और अगर वो जिन नहीं निकल के गया जिद में है नहीं जाऊंगा ये मेरी है या ये मेरा है ऐसा कह रहा है आशिकी के तौर पर है या बदला लेने के तौर पर है नहीं मैं इसको जो है मार दूंगा वग़ैरह इससे ये नुकसान हुआ है मेरे को वगैरह अगर जिन बोल रहा है तो उसकी काउंसिलिंग की जाए लेकिन बात में उलझाने की जो कोशिश करता है उससे बात ज्यादा ना की जाए बस उसको यही बताया जाए अल्लाह से डर अल्लाह की जहन्नम से डर निकल के जा तुम जिन्नातों के लिए भी जहन्नम है जुल्म करने वालों के लिए और इंसानों में भी जो जुल्म करने वाले कुफ्रशिर करने वाले उनके लिए भी जहन्नम है बस यही बार बार बोलना है और कुरान रोकना नहीं है कुरान ज्यादा से ज्यादा सुनाते रहना है इन वो निकल के भागेगा उम्मीद है कि जो है इस सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ एक और सवाल लेते हैं नाजरीन की तरफ से एक और सवाल क्या पेशेंट खुद अपना इलाज कर सकते हैं रुकिया पढ़ सकते हैं अगर वो नमाज और अजकार की पाबंदी में है जी हाँ कई सवाल में जो है जवाब ही आ चुका है जी हाँ बेशक कर सकते हैं ख़ुद रुकिया आप जो है बिन बाज़ रहतल की किताब अगर देखें शेख अब्दुलद बिन अब्दुलसलम बालि हफिजाल्ला की किताब देखें और शेख अबू अदनान मुनर कमर हफिजल्ला उनकी भी किताब आप देखें जिन्नात जादू का इलाज वगैरह के नाम से किताबें हैं तो उसमें ख़ुद अपना इलाज कैसे करना सिखाया गया है शरीयत के पाबंद है आप इन तो फिर आप ख़ुद इलाज अगर कुछ तकलीफ़ ख़ुद को हो गई है तो कर सकते हैं घर वालों को भी तो कर सकते हैं और अगर कोई दोस्त अहबाब है रिश्तेदार हैं पड़ोस है तो इन बेझिझक करिए रुकिया लेकिन आ, ये समझ लीजिए कि इसको पेशा नहीं बनाना नोट कमाने का ज़रिया नहीं बनाना है अल्लाह की रजा के लिए काम करना है क्योंकि अल्लाह ने जो है मनस्तः आमिन को फ़ आक़ा हुफलफ़ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में तो हमें अपने लिए भी जो है रुकिया करना रहा तो करना है और अपने भाई के लिए भी अगर नफ़ा पहुँचाना है तो रुकिया करके नफ़ा पहुँचा सकते हैं इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सबर रकाम आलम तक उन शर का रुकिया कर में कोई हर्ज नहीं है अगर उसमें शिर की मिलावट ना हो तो रुकिया कर सकते हैं इंशाल्लाह एक और सवाल लेते हैं क्या किसी भी किस्म की बीमारी के इलाज के लिए जिनों की मदद ली जा सकती है नहीं ली जा सकती मदद जिन्नात से इस्तेमाल जिन जायज़ नहीं है इस्लामी तलिमात के मुताबिक अल्लाह रब्लम ने कुरान में सूर्यआम सूर्य नंबर छः आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस एक सौ उनतीस एक सौ तीस में जो सबक दिया है उस पर गौर कीजिए अनाम सुर नंबर छः आयत नंबर एक सौ तो अट्ठाईस एक सौ उनतीस एक सौ तीस जिन्नात और इंसान की दोस्ती के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया है इसमें कि एक दूसरे के दोस्त हैं दोस्त बना लेते हैं फिर एक दूसरे के लिए काम करते हैं और वो लोग जो कुफरिया काम करते हैं उसके सबब उनको जहन्नम ज़रूर मिलेगी और वो खुद अपनी बारे में गवाही देंगे मैदान मशर में कि जो है हम कुफर किया करते थे बिल्कुल तो ये तीन आयतों से सबक मिला तो जन्नात और इंसान दोस्ती ना करें और एक दूसरे से काम ना ले एक दूसरे से किसी किस्म की मदद ना ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जब कभी मदद चाहिए बिल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही मदद मांगो जब कभी मदद चाहिए अल्लाह की मदद को जो है पुकारो अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद करेंगे फरिश्तों को भी नहीं पुकारना है मदद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को मदद के लिए पुकारना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पुकारे थे जंग बद्र में भी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जो है फरिश्ते नाजिल हुए थे वहाँ पर सकते हैं तो फरिश्तों को भी नहीं पुकारना है और जिन्ना को भी नहीं बुलाना है नहीं पुकारना है उनसे दोस्ती नहीं करना उनसे कोई मदद नहीं लेना है नहीं ले सकते मदद अल्लाह ही की मांगना है अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगेंगे अपनी तकलीफ में तो शिरक हो जाएगा कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा तकलीफ़ में फिर किसी भाई से मदद ले रहे तो कि ये भी शिरक है ये सबब है ये सबब है सबब से कोई चीज़ चाह रहे हैं तो ये शिरक नहीं है लेकिन इस बंदे के अलावा मेरी इस तकलीफ़ को कोई दूर नहीं कर सकता और इसके अलावा कोई और मेरी इस आ, मुश्किल में साथ नहीं आ सकता ऐसा अकीदा रख कर रहे तो ये चीज़ गलत है और ऐसा अकीदा नहीं रखते किसी बंदे के साथ कि नहीं ये करेंगे तो मेरा काम होगा Allah चाहेंगे तो ये एक जरिया है इनके जरिए से मेरा एक काम बन सकता है ताकि मैं अपनी आ, कैफियत इनको समझाऊं ताकि कुछ कर सकें ये मसला है तो शिरक नहीं होता किसी बंदे से वक्तिया तौर पर अगर कुछ हेल्प मांग रहे हैं तो लेकिन ये बात जरूर है कि जिन्नात से मदद नहीं ले सकते सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि मुकम्मल हुआ इंशाला एक और सवाल है इसी में क्या हम मैजिक ट्रिक्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं हरगिज़ नहीं कर सकते सूरे, सूरा नंबर बीस सिक्सटी सिक्स में जो सबक है यु खय अनह तस लोगों के ख्याल में अपने जादू से उस चीज़ को दौड़ता हुआ बनाए यानी मूसा के सामने हारून अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन के जादूगरों ने जो लाठी और रस्सी डाले थे तो वो आ, फिराउन को और दरबारियों को और ये दोनों भाइयों को यानी मूसा इस्लाम और हारून इस्लाम को दौड़ते हुए सांप दिखे जादूगरों के हाथ के डाले हुए रस्सी और लाठी तो उनके वो मैजिकल ट्रिक्स थे जिससे वो ऐसा दिखाए लोगों को यूखैल उही मिन शहरी यानी लोगों के ख्याल में अपने जादू से करके दिखाए हकीक़त को तब्दील नहीं कर सकते कोई भी जादूगर किसी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता है बस लोगों के ख़्याल में कुछ चीज़ बना के दिखा सकता है हकीकत में देखिए वो मूसा साम के हाथ का आशा तो भी जो है अल्लाह के हकुम से अजहा बन गया और उन लाठियों रस्सियों को निगल रहा था जादूगरों की नज़र में लेकिन फिर और, और दरबारियों की नज़र में वो लाठी बने रस्सी बने सांपों को निगल रहा था मूसा सलाम के हाथ का आशा जो अजहा बना हुआ था अलहदिल्ला तो कहना यह है कि हमें नबियों के मुआजे जो है जो अल्लाह के हकुम से होते हैं उसका तो तदकरा करना चाहिए और अल्लाह रबीन की शान कैसी आला है और अल्लाह आलमीन ने जो निशानियाँ बयान किया है कुरान में वो बातें बयान कर सकते हैं लोगों के सामने ताकि लोगों का ईमान जो है बढ़े लेकिन कोई जादूगर के जादुई काम को अप्रिसिएट करना उसको उसका तजकर करना ये चीज़ सही नहीं है जादू कुफ्र है जादू सीखना कुफ़्र जादू करना कुफ़्र जादू करवाना कुफ़्र जादू चाहे वो मैजिकल शोस वाला जादू हो जो भी जादू हो जादू कुफ्र है इसके बारे में आ, यही कहूंगा कि इसकी तारीफ नहीं करना और इसके करीब नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को एक और सवाल लेते हैं नाजरीन क्या जिन से बात की जा सकती है जिन्नात नहीं दिखते हैं सूर्य आराफ सूरा नंबर सेवन आयत नंबर ट्वेंटी सेवन इन्ना कुम हुआ वबीर अल्लाह ने कहा कि बेशक वो तुम्हें देखते हैं लेकिन तुम उन्हें हरगिज़ नहीं देख सकते अब जिसे हम देख देख ही नहीं सकते उससे क्या बात करना है ठीक है कोई जिन किसी इंसानी जिसम पर दाखिल हुआ है तकलीफ देने के लिए आशिकी के तौर पर या फिर जो है जादुई तौर पर मुसलत किया गया है उस पर वह पेशेंट पर रुकिया किया गया और वह पेशंट तकलीफ में आ गया रुकिया कर रहे हैं और फिर जो है जिन जाहिर होकर बात कर रहा है तो जी हाँ कोई रुकिया करने वाला उस जिन से बात कर सकता है उसको इस्लाम समझाकर उसको उस इंसानी जिस्म से निकल जाने के लिए बोल सकता है ये बात तो हो सकती है लेकिन ऐसे ही बात कर रहे कोई जिन से नहीं हो सकता जादूगर लोग करते हैं जादूगर के पास जिन्नात जो है आते हैं क्योंकि जादूगर लोग जिन्नात की इबादत करते हैं कुफ्रिया काम श्री काम करते हैं तो जिन्नात उनके पास उनकी असली शक्ल में आते हैं तो वो जादूगर वो जिन्नात से बात करता है ये हमें मालूम हुआ है सुर आम नंबर छः आतमर एक सौ अट्ठाईस एक सौ उनतीस एक सौ तीस, तीस पढ़ने से कि दोस्ती होती है एक इंसान की एक जिन की जो कुफरिया काम करते हैं तो अल्लाह हमें बचाए और मैं कहूँगा कि हमें जिन्नात के त्लु से कुरान और हदीस ने जितना इल्म दिया बस वो इल्म रखें और ज़्यादा जो है कोशिश ना करें मैं जन्ात से मिलना चाहूँगा जन्ात से बात करना चाहूँगा ऐसा ना करें नाजरीन हमारे इस एपिसोड का इस नशत का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है इन शा न में मुलाकात होगी नई बातों के साथ और किताब सुन्नत की सही दलाइल के साथ इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाजत दीजिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वरक